मोदी जी केवल अरबपतियों के लिए योजना लेके आते हो, हवाई अड्डे बना रहे हो, बस अड्डे भी बना लो, बस अड्डे पे भी ध्यान दे लो, गरीब भूखे मर रहे हैं, गरीबों के पास बस नहीं है चलने के लिए, गरीबों के लिए सड़क नहीं है, गरीबों के लिए कोई काम बनने के, ये एयरपोर्ट बनना ही नहीं चाहिए था, है ना। मैंने ऐसा कहा क्या रूबिका जी? क्या मैंने ऐसा कहा रूबिका जी? लेकिन ये अरबपतियों के लिए एयरपोर्ट है, हवाई जहाज में गरीब आदमी नहीं चलता है। और मोदी जी इसे बेचोगे कब? ये किसके लिए? अडानी को बेचोगे या अंबानी को बेचोगे? किसको बेचोगे इसे? जब आपको बेचना ही है तो जनता का पैसा क्यों लगा रहे हो इसमें? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। एयरपोर्ट बनने ही नहीं चाहिए, सबको साइकिल से चलना चाहिए। आप समझ जाएंगी, बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैं समझाता हूँ आपको, जब एयरपोर्ट अडानी अंबानी को चलाने तो अपने पैसे से बनाए, जनता का पैसा इसमें क्यों लगाया जाता है? आप लगा के फिर उन्हें बेच देते हैं, वो फायदा तो नहीं पहुंचा। अडानी आज एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया मोदी जी की नीतियों के चलते। मोदी जी ने एक भी एयरपोर्ट नहीं बेचा, आप गारंटी दे सकती हैं? आप पत्रकारिता करती हैं या क्या करती हैं? आप ये बताइए, थोड़ी मर्यादा रखिए। कोई मोदी जी एयरपोर्ट बेच रहे हैं सर? क्या लखनऊ एयरपोर्ट पर अडानी एयरपोर्ट नहीं लिखा हुआ है? संचालन की जिम्मेदारी देना और एयरपोर्ट बेचना दोनों अलग चीजें हैं। ऑटो को किराए पर लेना और ऑटो को बेच देना, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इस देश को मूर्ख मत बनाओ रूबिका जी। अरे संचालन अलग चीज होता है, बेचना अलग चीज होता है। टिकट हम काटेंगे, सीटी हम बजाएंगे, बस कहाँ रुकेगी ये हम तय करेंगे, लेकिन बस बिकी नहीं है। बस के टायर बिक गए, हॉर्न बिक गया, सीट बिक गई, लेकिन बस नहीं बिकी है, बस सुरक्षित है। एक सेकंड, अरे रूबिका जी कृपा करो, एक सेकंड। मैं कह रही हूँ दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां अगर किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट को लेती है अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो उसको अध्यक्ष मान लेती है। हाँ मैं बताता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी रूबिका लियाकत को अपना एडवाइजर नहीं, पार्टी जी सुनिए ना, तो आप इस तरीके की बेकार की बातें मत कीजिए। आप मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करेंगे तो भाटी साहब आप जानते हैं मेरे साथ डिबेट करते हुए आपको अरसा हो गया है, सम्मान का सम्मान होगा, और अगर आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं जानती हूँ फिर क्या करना है। नहीं अगर आपको इस तरह धमकी देनी तो आप अपनी डिबेट मत बैठा करो, बात हम अपनी कहेंगे। नहीं आप अपनी कहेंगे तो उसमें मैं नहीं आनी चाहिए। देखिए इस तरह धमकी की बात मत करिए, आप असभ्य का प्रयोग मत करिए, आप ज्यादा खुदा नहीं है, आप खुदा मत बनने की कोशिश। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूं, मैं तरीके से आपको समझा चुकी हैं। क्या क्या क्यों धमका रही हैं आप मुझे? मेरे नाम का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको, अरे मैं भी समझा रहा हूँ आपको, लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आप बीजेपी के खिलाफ सुनना नहीं चाहती। अगर आपको इतना बुरा लगा तो मैंने उदाहरण रूबिका का दे दिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा था, मैं अपना नाम रख देता हूँ उसकी जगह, मैं केवल एक उदाहरण देकर बता रहा था। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे का नाम अडानी एयरपोर्ट हो गया तो नाम नहीं चेंज करते हैं एडवाइजर का ना, अगर एडवाइज लेते हैं किसी से। मैं केवल ये उदाहरण आपको दे रहा था, अगर समाजवादी पार्टी किसी से सलाह लेगी, प्रमोद कृष्णम से सलाह लेगी, तो पार्टी का नाम प्रमोद कृष्णम समाजवादी पार्टी नहीं रख देगी। मैं केवल ये उदाहरण दे रहा था, जो आपको बुरा लगा उसके लिए माफी चाहता हूँ, हो सकता है मैंने शब्द जल्दी में प्रयोग कर दिया हो, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी।